In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Myself, Naseem Dulfikar, and today in second year chemistry, I am going to start chapter 11, Chemical Industries in Pakistan. And today we are topic number 11.5, plastic ko discuss karne wale hain, jo ke kafi important topic hai because it is included in your smart syllabus of Sindh board examinations. तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक पर शॉर्ट नोट और आज काफ़ी डिटेल डिस्कशन मैं करने वाला हूँ प्लास्टिक के टॉपिक पर, ठीक है, और प्लास्टिक इंडस्ट्री पर। तो इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूँ, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स को, तो गुलशन इकबाल कैंपस में दुबई इल्म कोचिंग सेंटर हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश क्लासेस को, तो आप जो है वो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली प्लास्टिक्स आर मिक्रो मॉलिक्यूल्स। प्लास्टिक जो है वो मिक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मिक्रो मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? एक हमारे पास होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं और मिक्रो के मतलब होते हैं बड़ा। तो प्लास्टिक्स जो है वो क्या होते हैं? असल में मिक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम पॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। पॉलीमर किस किस तरह से बनते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो प्लास्टिक्स असल में पॉलीमर्स होते हैं या उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जा सकता है, जो कि छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर जो है वो पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो न्यू एरा है इस 21st सेंचुरी के अंदर, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी हैं प्लास्टिक बेस्ड चीज़ों में। ग्लास या फिर इस तरह से मेटल्स, उनकी जगह पर प्लास्टिक या फाइबर्स ले चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हवाले से भी, न्यू एरा के हवाले से भी, और ज़्यादातर जो पॉलीमर इंजीनियर्स होते हैं वो इसी प्लास्टिक के टॉपिक को डील कर रहे होते हैं। तो प्लास्टिक्स बनते कैसे? दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। ये बनते हैं पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन क्या है भाई? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। मोनोमर किसे कहते हैं? मोनो मतलब होता है सिंगल और मर के मतलब होते हैं पार्ट। पॉली मतलब होता है मैनी और मर के मतलब होते हैं पार्ट। बहुत सारे सिंगल यूनिट्स, बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स मिलकर एक बड़े यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरह से गुलाब के फूल बहुत सारे जब हम उसको धागे में पुरोएंगे तो वो एक गारलैंड या एक हार बन जाएगा, जैसे तस्बीदाने के बीट्स बहुत सारे साथ में जुड़ते हैं तो फिर इस तरह से पूरे एक तस्बीदाना बन जाता है। तो बिल्कुल वैसे बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल पार्ट या मोनोमर्स जिनको हम कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। जब वो किसी प्रोसेस में कंबाइन होकर एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं या एक पॉलीमर बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वो प्रोसेस, वो अमल जिसके अंदर मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो प्लास्टिक्स पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो चूंकि एक पॉलीमर होता है प्लास्टिक खुद ही, तो एडवांटेजेस क्या है प्लास्टिक्स के? प्लास्टिक्स को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों इतनी तेज़ी के साथ ये हमारे जो है वो मार्केट में एंटर हो गए 21वीं सदी के अंदर? तो वजह ये है कि ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग मेक इट यूजफुल एज अ ग्लास सब्सटीट्यूट। चूंकि प्लास्टिक भी ग्लास की तरह से हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार आप देख पाते हैं, और रेजिस्टेंस टू वेदरिंग मतलब आराम से वो टूटता भी नहीं है, जिस तरह कि ग्लास है, शीशा है, अगर वो गिर जाए तो फौरन से वो टूट जाता है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर ये जो है वो क्वालिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस करता है वेदरिंग का, वो टूटने की मजाहमत करता है। इससे ग्लास का एक अच्छा सब्सटीट्यूट ये साबित होता है, ग्लास के मुतबादिल में हम प्लास्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एयरक्राफ्ट विंडोज़ में, मतलब जो हवाई जहाज़ के शीशे होते हैं उनमें जो है वो ग्लास के बजाय प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर उनको जो है वो बेयर करना होता है। व्हीकल रिफ्लेक्टर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जो इंडिकेटर्स होते हैं या फिर उनके पास जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उनमें मिरर लगे हुए होते हैं, वो प्लास्टिक से बनते हैं, क्योंकि बहुत बार उनमें चीज़ों को जो है वो हिट कर देती हैं बहुत सारी चीज़ें जाकर उन रिफ्लेक्टर्स को। और स्ट्रीट लाइट की फिटिंग्स जो होती हैं, स्ट्रीट लाइट पर जो फिट होता है, मतलब कि लाइटों पर जो कवर लगा होता है, वो भी प्लास्टिक का लगाया जाता है। तो पहला तो ये है इसका बेनिफिट कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, और उसके अलावा रेजिस्टेंस टू वेदरिंग मतलब कि वो टूटता भी जल्दी नहीं है ग्लास की तरह। द प्लास्टिक्स हैव अ फेयर रेंज ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी, मतलब प्लास्टिक्स क्या डिफॉर्म हो सकते हैं। डिफॉर्म से मुराद के वो किसी भी शक्ल में उनको हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड मोल्डेबिलिटी और उनको मोल्ड कर सकते हैं, ड्यू टू विच आर्टिकल्स ऑफ एनी डिजायर्ड शेप एंड फॉर्म कैन बी मैन्युफैक्चर्ड।
जिसकी वजह से क्या होता है कि हम प्लास्टिक की मदद से, प्लास्टिक को इजी टू मोल्ड होता है, इजी टू डिफॉर्म होता है, आराम से उसको किसी भी तरह के शेप में, चाहे डाई में चाहे हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, हर तरह के शेप इख्तियार कर सकते हैं, बहुत ईजिली है जो है वो हम डिफरेंट शेप्स में प्लास्टिक्स को कन्वर्ट कर देते हैं। सो दीज आर द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। द फर्स्ट वन इसके वो टूटता बहुत जल्दी नहीं है, और दूसरी चीज़ के वो आराम से किसी भी शेप में उसको हम ढाल सकते हैं। कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या मुराद है कि अगर प्लास्टिक्स वगैरह ज़मीन के अंदर अगर चले जाते हैं तो ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, मतलब बाकी तमाम चीज़ें जैसे ह्यूमन बॉडी या उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें ज़मीन में जाने के बाद डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड जाने के बाद। बट प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कि अगर ये ज़मीन के अंदर चले भी जाएँ तो 100 साल या हज़ारों सालों के बाद भी जो है वो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पाता, वो अपनी स्ट्रक्चर बरकरार रखता है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा नुकसानदायक है, क्यों, पॉल्यूशन कॉज करता है, कि मिसाल के तौर पे कि लाइक पहली बात तो गंदगी हर तरफ कचरे के ढेर में आप देखते हैं, प्लास्टिक शॉपर पैक ज़्यादातर होते हैं, चूँकि वो जो है वो ज़मीन के अंदर क्या करते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, और उसके अलावा जो है वो ये भी कि कभी कभार सेवरेज लाइन वगैरह को भी चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है गंदा पानी सेवरेज के चारों तरफ फैल जाता है। इन वजूहात के बिना पर क्या होता है कि प्लास्टिक्स के यूजेज जो है वो नुकसानदायक साबित होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, माहौल के लिए। तो ये कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। प्लास्टिक एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ कि डिफरेंट तरह के पॉलीमर्स प्लास्टिक्स हैं, तो बहुत तरह के प्लास्टिक्स हैं, तो 9 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आज मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ, या 9 एग्जांपल्स में डील करने वाला डिफरेंट प्लास्टिक की जो आप डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज वेरी फेमस पॉलीइथीन, इसको हम कहते हैं पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथीन से क्या मुराद होता है, पॉली मतलब है पॉलीमर और इथीन यू नो अल्कीन मेंबर फैमिली का पहला मेंबर है, पॉलीइथीन इथीन का पॉलीमर, इथीन को इथाइलीन भी कहते हैं, ये पॉलीइथाइलीन भी कहला सकता है। तो पॉलीइथीन या पॉलीइथाइन क्या है, पॉलीइथीन कह लें या पॉलीइथाइलीन कह लें, तो ये क्या है भाई, इट इज़ एन एडिशन पॉलीमर ऑफ इथीन, इथीन का ये एक एडिशन पॉलीमर है। तो कि पॉली जो है वर्ड है उसके बाद जो इथीन लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये बता रहे कि ये मोनोमर है, कि पॉलीथीन का मोनोमर इथीन होता है, ठीक है, तो ये एक एडिशन पॉलीमर है इथीन का, तो इथीन इसका मोनोमर है। एडिशन पॉलीमर आप जानते हैं, चैप्टर 6 में मैंने डील किया था कि दो तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, कंडेंसेशन और एक एडिशन। पाई बॉन्ड्स के ब्रेक होने से अगर मोनोमर्स पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं तो दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, और अगर एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर वगैरह के रिमूवल होने से अगर दो मॉलिक्यूल साथ में जुड़ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जब हम पॉलीथीन की बात करते हैं, पॉलीथाइलीन की बात करते हैं, तो एक एडिशन पॉलीमर होता है इथीन का, तो इथीन इसका मोनोमर है। और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज टू मेक शॉपिंग बैग्स, शॉपिंग बैग्स वगैरह जो होते हैं तो थैलियाँ होती हैं जिसमें आप सौदा सल्फ लेकर आ रहे होते हैं, तो वो पॉलीथीन का बना होता है। अच्छा, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसकी इक्वेशन में मैंने यहाँ पर लिख दी है कि दिस इज इथीन, C2H4 फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं इथीन का, तो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन फैमिली का, तो ये बहुत सारे इथीन के मोनोमर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इथीन के, जिनमें पाई बॉन्ड होता है, तो सबके पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन कार्बन आपस में सारे लिंक कर जाते हैं, चूंकि एक बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कार्बन के अंदर, तो क्या होता है कि सारे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स से मिलकर क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है और सारे कार्बन साथ में जुड़ते हैं, इस तरफ से भी बहुत सारे होंगे, इस तरफ से भी बहुत सारे होंगे, और वो सारे जुड़कर क्या करेंगे, एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर, बहुत एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें एन नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीइथीन। तो याद रखिएगा कि जब भी हम पॉलीमर को लिखते हैं, कोई भी प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो है वो एन लिख देते हैं, एन से मुराद लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, ये लार्ज यूनिट्स इसके जो है मौजूद होंगे, क्योंकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ CH2 साथ में जुड़े हुए होंगे, तो दिस इज एक्चुअली पॉलीइथीन। तो पॉलीथीन एक पहले प्लास्टिक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, सेकंड एग्जाम्पल में आता हूँ, दिस इज कॉल्ड पॉलीप्रोपीन। तो पॉलीप्रोपीन या इसको हम पॉलीप्रोपाइलीन कह सकते हैं, तो प्रोपीन या प्रोपाइलीन 3 कार्बन अल्कीन आप जानते हैं, जिसमें टोटल 3 कार्बन होंगे, कहीं ना कहीं जगह पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो पॉलीप्रोपाइलीन को हम लोग मार्केट के अंदर पीपी भी कहते हैं, पीपी प्लास्टिक, पीपी मतलब पॉलीप्रोपाइलीन। ये किसके, ये भी एक एडिशन पॉलीमर है, किसका एडिशन पॉलीमर है भाई, ये एडिशन पॉलीमर है प्रोपीन का या प्रोपाइलीन का, ठीक है, तो प्रोपीन या प्रोपाइलीन का ये एडिशन पॉलीमर होता है, उसका मोनोमर जो है वो प्रोपीन है, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता आराम से, और क्या बनाए जाते हैं, बॉटल कैप्स बनाए जाते हैं पॉलीप्रोपाइलीन से, बॉटल कैप्स जैसे आपने पेप्सी वगैरह और कोक वगैरह के बॉटल्स आपने देखे होंगे ना, तो बॉटल्स के जो कैप बनते हैं ना वो पॉलीप्रोपाइलीन से बनते हैं, चूंकि उनको आराम से ब्रेक नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन की अगर हम देख लें बात, किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होगा कि एन नंबर ऑफ मोनोमर्स है हमारे पास, दिस इज प्रोपीन, 3 कार्बन वाला हमारे पास ये अल्कीन है,
और जब हम इसकी पोलीमराइजेशन करेंगे तो इसकी पोलीमराइजेशन से सेम यही चीज़ होगी, क्या होगा यहाँ पर कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से लार्ज नंबर ऑफ जो है वो CH साथ में CH2 जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जब इनकी यहाँ पर फॉर्मेशन होगी तो ये जो हमारे पास पॉलीमर बनेगा, दिस इज पॉलीप्रोपीन, ये प्रोपीन का जो है वो हमारे पास पॉलीमर है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड हमारे पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग PVC भी कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होगा? यस, पॉली के बाद जो लिखा है विनाइल क्लोराइड, इसका जो है वो मोनोमर है। और विनाइल ग्रुप आप जानते हैं, विनाइल ग्रुप किसे कहते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला जो ग्रुप होता है जिसमें एक बॉन्ड एक वैलेंसी के खाली हो, दिस इज कॉल्ड विनाइल, इसको हम लोग विनाइल कहते हैं। तो इसके साथ अगर एक जगह पर अगर हम क्लोरीन लगा दें, Cl लगा दें, नाउ दिस विल बी कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो एडिशन पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड मैंने आपको बता दिया कि वो क्या चीज़ होगी, कि अल्कीन इथीन होगा और एक हाइड्रोजन की जगह पर Cl मौजूद होगा इसको। तो जिस तरह से ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, देखें ये अल्कीन है, इथीन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन की जगह पर मैंने Cl लगा दिया। दिस इज विनाइल साइनाइड, जो कि एक मोनोमर है। इस्तेमाल किस लिए किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड को, PVC को? इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग्स को बनाने के लिए, मतलब बिजली के जो तार हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि कवर जो लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है PVC कोटेड वायर। तो PVC के वायर की कवरिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की पाइप्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है PVC पाइप, सेवरेज लाइन्स वगैरह के लिए घरों में लगाते हैं। और CDs, कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमारे पास हुआ करते थे पुराने वक्तों में, CDs के लिए बनाने के लिए भी PVC को इस्तेमाल किया जाता था। सेम है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का फंडा एक ही होता है कि जो भी आपके पास पाई बॉन्ड मौजूद है कंपाउंड के अंदर, मोनोमर्स के अंदर, वो पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, सारे मोनोमर्स साथ में कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये आपके पास बन जाता है क्या? PVC। दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड ये मोनोमर है और पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पॉलीमर हो गया। सो दिस इज द सेकंड थर्ड एग्जांपल, सॉरी। नाउ द फोर्थ एग्जांपल इज PVA। PVA मतलब पॉलीविनाइल एसीटेट। अब ये क्या होगा? विनाइल एसीटेट का पॉलीमर होगा। विनाइल एसीटेट हम किसे कहेंगे? विनाइल एसीटेट किसे कहा जा सकता है कि अगर आप देख लें कि ये आपके पास विनाइल रेडिकल है, दिस इज विनाइल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और उसके साथ अगर इस जगह पर एसीटेट लगा दें, एसीटेट मतलब CH3COO, दिस इज कॉल्ड विनाइल एसीटेट। तो ये जो PVA होता है वो विनाइल एसीटेट का एडिशन पॉलीमर होता है। सेम यही है, पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से मोनोमर साथ में जुड़कर पॉलीमर की प्लास्टिक की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसको ज़्यादातर च्युइंगम को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो खाते हैं ना डिंग डोंग फ्रेश अप। तो जो च्युइंगम होता है ना, असल में वो भी एक तरह का एक प्लास्टिक है। च्युइंगम इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। और वो प्लास्टिक क्या है? PVA पॉलीविनाइल एसीटेट। तो उसको बनाया किस तरह से जाता है कि सेम वही है, ये हमारे पास विनाइल एसीटेट है और इसके n नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे। जब पॉलीमराइजेशन किया जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और सारे जो है ना वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज PVA पॉलीविनाइल एसीटेट। तो दिस इज द फोर्थ वन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन, दिस इज पॉलीविनाइल साइनाइड। पॉलीविनाइल साइनाइड जो है वो, इसको नॉर्मली PVC नहीं कहा जाता, PVC जो है ना, वैसे PVC, इसको भी PVC निकल जाना चाहिए, पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से साइनाइड, लेकिन नॉर्मली जो है वो पॉलीविनाइल, PVC के लिहाज से जो मशहूर है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉलीविनाइल साइनाइड को हम लोग एक्रेलिक प्लास्टिक भी कहते हैं, इसको हम लोग एक्रेलिक प्लास्टिक कहते हैं, चूंकि ये विनाइल साइनाइड का पॉलीमर होता है। विनाइल साइनाइड आप जानते हैं कि सेम वही है कि अगर आपके पास इथीन मौजूद हो और एक हाइड्रोजन की जगह पर CN लगा दें, दिस इज कॉल्ड विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड को अक्रिलो नाइट्राइल भी कहते हैं। अक्रिलो नाइट्राइल किस लिए कहते हैं? बिकॉज इसमें अक्रेलिक ग्रुप होता है। अक्रेलिक ग्रुप भी कह सकते हैं कॉमन नेमिंग में। अक्रेलिक ग्रुप किसे कहते हैं? जैसे अगर कार्बन है ना, जैसे ये दो कार्बन है ना यहाँ पर, अगर इस तरह से हो के तीन कार्बन अगर टोटल हो, ठीक है, अगर टोटल तीन कार्बन मौजूद हो तो दिस इज नॉट विनाइल, दिस इज कॉल्ड एक्राइल, ये एक्राइल ग्रुप कहलाता है। तो अक्रिलो नाइट्राइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन कार्बन के साथ एक जगह पर फिर नाइट्रोजन की अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज पॉलीविनाइल साइनाइड को हम लोग एक्रेलिक प्लास्टिक भी कहते हैं और ये पॉलीमर होता है किसका भाई? विनाइल साइनाइड का पॉलीमर होता है ये। विनाइल साइनाइड को अक्रिलो नाइट्राइल भी कहते हैं। अक्रिलो नाइट्राइल मतलब विनाइल साइड, दो कार्बन होंगे डबल बॉन्डेड और एक जगह पर साइनाइड ग्रुप की अटैचमेंट होगी। इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फॉल्स सीलिंग वगैरह बनाने के लिए। जैसे आप देखते हैं ना फॉल्स सीलिंग जो छतों पर लगाई जाती है, ठीक है, छतों के नीचे उसको मतलब डिजाइन पैटर्न बनाया जाता है स्क्वायर स्क्वायर टाइप का,
तो वो कभी कभार प्लास्टिक से, पहले तो नॉर्मली होता है कि वो लाइम से भी बना हुआ होता है, लाइम स्टोन से, चूने से बना हुआ होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको जो है वो एक्रेलिक भी ले सकते हैं जो प्लास्टिक का पॉलीमर का होता है। तो वो जो प्लास्टिक होता है ना फॉल सीलिंग वाला, वो होता है ये एक्रेलिक प्लास्टिक या पोली विनाइल साइनाइड, जो विनाइल साइनाइड का एक्रोनाइट्रल का पॉलीमर है। तो ये विनाइल साइनाइड सेम एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो ये भी एक एडिशन पॉलीमर ही है कि यहाँ से पाई बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और पाई बॉन्ड के ब्रेक करने से हम फिर क्या करेंगे, सारे कार्बन को दूसरे के साथ जोड़ देंगे, जो कि एक एक बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो हमारे पास जो पूरा पॉलीमर हमारे पास तैयार होगा, इस पॉलीमर को हम लोग पॉलीविनाइल साइनाइड कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। ठीक है, तो एक्रेलिक प्लास्टिक जिसको हम नॉर्मली मार्केट में कह रहे होते हैं। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास है दिस इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में आप जानते हैं, नॉन स्टिक पैन वगैरह के अंदर नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग टेफ्लॉन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्यों कहते हैं, टी फॉर टेट्रा है, उसके बाद एफ से फ्लोरो है, एफ एल से फ्लोरो है, ठीक है, एन से यहाँ पर इथेन है, टेट्रा फ्लोरो इथेन, इसी को हम लोग शॉर्ट में टेफ्लॉन कहते हैं। टेफ्लॉन के नॉर्मली आप नॉन स्टिक पैंस वगैरह देखते होंगे ना, ऐसी कढ़ाइयाँ होती हैं जिसमें एग वगैरह को जब हम बॉइल कर रहे होते हैं, सॉरी फ्राई कर रहे होते हैं, तो एग उसमें जो है वो नहीं चिपकता। तो दिस इज नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को बनाने के लिए हम टेफ्लॉन को इस्तेमाल करते हैं। और टेफ्लॉन पॉलीमर किसका होता है, विनाइल डाइफ्लोराइड का ये हमारे पास पॉलीमर होता है, इसका मोनोमर है विनाइल डाइफ्लोराइड। विनाइल डाइफ्लोराइड से मुराद के दो कार्बन होंगे, ठीक है, डबली बॉन्डेड, और उसमें क्या होगा, दोनों कार्बन पर एक एक सी एल सॉरी एफ लगा होगा। दिस इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो इसी को अगर यहाँ से पाई बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने से बहुत सारे यूनिट साथ में जुड़ जाएंगे। मैं इसके रिएक्शन नहीं लिख रहा, यू कैन यूज, यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ। तो बहुत सारे साथ में इसके साथ जुड़ेंगे, तो ये असल में एक तरह से एक पॉलीमर बन जाएगी जिसको हम लोग टेट्राफ्लोरोइथेन कहेंगे या फिर टेफ्लॉन कहेंगे। इसको इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्टिक पैन को बनाने के लिए। सो दिस इज द सिक्स्थ टाइप या सिक्स्थ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। नाउ द सेवेंथ एग्जाम्पल इज पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो पॉलीमर होगा स्टाइरीन का, भी मैं आपको बताता हूँ स्टाइरीन किसे कहते हैं। ठीक है, सो पॉलीस्टाइरीन को ये हम लोग थर्मोकोल भी कहते हैं। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको थर्मोपोल कहते हैं, सो इट इज़ नॉट थर्मोपोल, थर्मोपोल इज अ मिसनोमर, ये गलत नाम है जो कि नॉर्मली लोगों के जमान में मशहूर है। थर्मोपोल इज नथिंग, इट इज थर्मोकोल, दिस इज सी। सो थर्मोकोल आपने देखा होगा, इससे बहुत सारे हम मतलब ये फ्रिज वगैरह डिफरेंट और अप्लाइंसेज आते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि थर्मोकोल के साथ जो है फिर वो पैक होकर आ रहे होते हैं। ठीक है, या बच्चे जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी फोम टाइप का एक प्लास्टिक होता है थर्मोकोल, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास थर्मोकोल होता है तो वो उसी को हम लोग पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। ये एक एडिशन पॉलीमर होता है, ये भी स्टाइरीन का। स्टाइरीन कैसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। स्टाइरीन होता है विनाइल बेंजीन, बेंजीन के साथ अगर आप विनाइल ग्रुप को अगर आप अटैच कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा विनाइल बेंजीन, इसी को हम लोग कहते हैं स्टाइरीन। इसी का जब पाई बॉन्ड तोड़कर या पाई बॉन्ड ब्रेक करके जब हम इसको साथ में जोड़ेंगे तमाम स्टाइरीन के मोनोमर्स को, तो फिर ये बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मोकोल। ठीक है, तो थर्मोकोल भी एक प्लास्टिक है जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा स्टाइरीन के। नेक्स्ट इज परस्पेक्स। उसके बाद एट्थ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ परस्पेक्स। परस्पेक्स भी जो है वो एक प्लास्टिक है ये। ठीक है, ये भी प्लास्टिक की एक एग्जाम्पल है और ये भी एडिशन पॉलीमर होता है किसका, मिथाइल मीथ एक्रिलेट का। मिथाइल मीथ एक्रिलेट का जो है वो ये एक एडिशन पॉलीमर होता है। सो एक्रिलेट एट क्लास में आ रहा है, उसका मतलब एस्टर है, एस्टर ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, यू कैन सी एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये आपके पास जो है वो मिथाइल का जो है मिथाइल के साथ एट लगा हुआ है और एक्रिलेट है ना, एक्रिलेट से मुराद देखो तीन कार्बन हमने यहाँ पर यूज कर लिया है और तीन कार्बन के साथ आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड भी है, तो दिस इज कॉल्ड एक्राइल ग्रुप जिसको मैं कह रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो मोनोमर आपके पास बना हुआ है दिस इज मिथाइल मिथाइल मीथ एक्रिलेट। ठीक है, तो मिथाइल मीथ एक्रिलेट जो कि इसकी जब आप एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर साथ में जुड़ेंगे, तो ये जो प्लास्टिक बनेगा उसको हम परस्पेक्स कहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परस्पेक्स, दिस इज द परस्पेक्स। और परस्पेक्स को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब शफाफ होता है, इसके आर पार आप देख सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्ब्स को कंघी बनाने में, हेयर ब्रशेस वगैरह को बनाने के लिए आपने देखा होगा ना, उसके जो प्लास्टिक होते हैं वो आर पार नॉर्मली ज़्यादातर दिख रहा होता है बहुत सारे हेयर ब्रश वगैरह से, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं परस्पेक्स को जो है वो हेयर कॉम्ब्स वगैरह को बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसपेरेंट कलर। लास्ट एग्जाम्पल इज बेकलाइट। सो बेकलाइट के बारे में चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है, हार्ड प्लास्टिक होता है ये, कचकड़ा भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है,
या करमच भी इसको हम कहते हैं, दैट इज बेकलाइट हार्ड प्लास्टिक है ये वाहिद है जो नाइन्थ में आपको टाइप बता रहा हूँ, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ये एडिशन पॉलीमर नहीं है, ये पाई बॉन्ड के ब्रेकेज नहीं बनता, बल्कि सिंपल मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से बनता है। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल आप देख सकते हैं चैप्टर 6 के मेरे लेक्चर में, जब मैंने पॉलीमराइजेशन सिखाया है वहाँ पर, तो वो मैंने कंडेंसेशन को डिटेल में बताया है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है दो चीज़ों का, इसके मोनोमर दो होते हैं, एक होता है फिनॉल और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है बेकलाइट। जैसे कि ये हमारे पास फिनॉल है और ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो बहुत सारे फिनॉल और बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड मिलकर बेकलाइट की फॉर्मेशन करते हैं। तो और इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बेकलाइट को, बटन्स को बनाने के लिए, स्विचेस को, चूंकि हार्ड प्लास्टिक होता है ये, तो जो बटन्स होते हैं हमारे स्विच बोर्ड में लगे हुए, स्विचेस होते हैं, ठीक है, तो ये इंडिकेटर या बेकलाइट का जो कवर होता है, तो वो सब के सब जो है वो बेकलाइट से बनाए जाते हैं, ठीक है। सो बेकलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये दो फिनॉल है, एक फॉर्मल्डिहाइड है, सिंपल मतलब मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन यहाँ से होती है। अब किस तरह से होती है, एक यहाँ से H है और एक यहाँ से H है, ठीक है, तो ये H H और ये O वाटर की सूरत में निकल जाते हैं, और ये CH2 ग्रुप इन दोनों जो है वो फिनॉल के साथ अटैच हो जाते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेकलाइट, और एक लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स इनके एक साथ ज्वाइंड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक या डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक के किस तरह से उनको बनाया जाता है। तो पॉलीथीन का मैंने आपको बताया कैसे बना सकते हैं, पॉलीप्रोपीन का बताया, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का बताया, PVA है पॉलीविनाइल एसीटेट के बारे में एक्सप्लेन किया, उस तरह से एक्रिलिक प्लास्टिक के बारे में बताया, दैट इज पॉलीविनाइल साइनाइड, वो किस तरह से बनाया जाता है। देन मैंने आपको टेफ्लॉन के बारे में बताया, टेफ्लॉन क्या है, नॉन स्टिक पैन, किस तरह से इसको बनाया जाता है। पॉलीस्टाइरीन के बारे में बताया, जिसको थर्मोकोल भी कहते हैं, उसको किस तरह से बनाते हैं। परस्पेक्स के बारे में बताया कि वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, वो किस तरह से मिथाइल मीके क्रिलेट से बनाया जाता है। बेकलाइट का बताया, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये वाहिद जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक को जो हम बनाते हैं ना, तो प्लास्टिक की कंपोजिशन में बाकी चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, मतलब एक चीज़ तो उसके साथ एक फिक्स है कि एक चीज़ तो होगी उसके साथ, दैट इज अ मोनोमर, मोनोमर तो होना ही है, ये जो मैंने बहुत सारे मोनोमर्स आपको बताए। दो और एक्स्ट्रा चीज़ें प्लास्टिक को बनाते हुए इसकी कंपोजिशन में ऐड कर सकते हैं, प्लास्टिसाइजर और फिलर। अब ये क्या चीज़ होती है प्लास्टिसाइजर और फिलर? प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, इट इंक्रीजेज द इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक, यह प्लास्टिक इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। इलास्टिक लिमिट जब किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो क्या चीज़ होती है, वो चीज़ टूटती नहीं है, बल्कि एक्सपेंड होने पर क्या होती है, वो चीज़ इलास्टिसिटी होती है, वो एक्सपेंशन उसके अंदर हो जाती है, वो टूटेगी नहीं। तो प्लास्टिसाइजर क्या करता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा देता है प्लास्टिक की, या बहुत हाई टेम्परेचर अगर हो जाए तो एक्सपेंशन की वजह से वो एक्सपेंड हो जाएगी, बजाय उसके कि वो डिफॉर्म हो जाए। फिलर्स इस्तेमाल करते हैं, फिलर्स क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की ताकत को, उसकी कुवत को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कंपोजिशन प्लास्टिक की, के मोनोमर के साथ साथ प्लास्टिसाइजर और फिलर को इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा, फिलर क्या करेगा, फिलर जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होगी ना वो उसको इंक्रीज कर देगा प्लास्टिक की। लास्ट जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक दो तरह के हैं, मेन टाइप प्लास्टिक के दो हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं, ये एक रिवर्सिबल प्लास्टिक होता है। रिवर्सिबल प्लास्टिक क्या मतलब होता है, दे कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग। जितनी बार आप उसको हीट करोगे उतनी बार आप मतलब उसको जो है वो मिसाल के तौर पर एक प्लास्टिक है, लेट से कहिए मेरे पास जो है मौजूद है, ठीक है, दिस इज मार्कर, इसके जो प्लास्टिक है अगर मैं इसको अगर मैं हीट कर दूँ, इसको मैं मेल्ट कर दूँ, तो मेल्ट करने के बाद वैसे तो लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद जब ये सॉलिडिफाई होगा तो अगेन प्लास्टिक की फॉर्मेशन अख्तियार कर लेगा, मैं उसको किसी भी शेप में डाल सकता हूँ। 100 बार में इस प्लास्टिक को अगर जो है वो मेल्ट करूंगा तो 100 बार जो है वो रिवर्स हो जाएगा, दोबारा प्लास्टिक हासिल हो जाएगा मेल्ट होने के बाद। दिस इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, ठीक है, कि हीट अप्लाई करने पर वो बार बार सॉफ्ट हो सकते हैं, जितनी बार थर्म हीट अप्लाई करोगे उतनी बार वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमारे पास थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक में क्या हो सकते हैं कि पॉलीथीन, आपके पास जो पॉलीथीन है वो आपके पास जो है वो पॉलीथीन जो आपके पास है वो आपके पास क्या होता है थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक होता है, जितनी बार आप उसको हीट करेंगे उतनी बार वो आपके पास प्लास्टिक की फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से हमारे पास जो PVC पाइप्स होते हैं वो हमारे पास थर्मोसॉफ्टनिंग होते हैं, जितनी बार भी आप उसको हीट करोगे उतनी बार मेल्ट होने के बाद दोबारा सॉलिड बनेगा, दोबारा प्लास्टिक बन जाएगा। इसी का एक रिवर्स फिनोमेना है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं कि ये इसका बिल्कुल रिवर्स है, इरिवर्सिबल प्लास्टिक होता है ये। इरिवर प्लास्टिक से क्या मुराद है कि वंस दे आर हीटेड दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक अगेन। अगर एक बार आप उनको हीट कर दें
एक बार हीट करने के बाद दोबारा से आप उनको प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब उनकी आइडेंटिटी प्लास्टिक वाले लॉस हो जाती है, मतलब जो उनकी आइडेंटिटी होती है वो लॉस हो जाती है, दोबारा उसको बार 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 जो है वो आप उनको कह लो कि प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बेक लाइट, हार्ड प्लास्टिक जो होता है, स्विचेस वगैरह, कभी आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट होती है, स्विचेस वगैरह जल जाते हैं तो वो ब्राउन कलर का एक पाउडर जैसा बच जाता है, बस वो मेल्ट होने के बाद वो दोबारा से आप उसे प्लास्टिक हासिल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो थर्मोकोल, इस तरह थर्मोकोल जो मैं बता रहा था कि थर्मोकोल का भी कर भी आप जलाएं, तो थर्मोकोल को जलाने के बाद वो बिल्कुल वहां से, मतलब कह लो कि वो जस्ट उसका रेजिड्यू बच जाता है और दोबारा से आप थर्मोकोल को बार बार आप प्लास्टिक में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ थर्मोप्लास्टिक एंड अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इज रिवर्सिबल, उसको बार बार आप हीट करके दोबारा से प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं मेल्ट करने के बाद, जैसे कि पॉलीथीन है। लेकिन थर्मोसेटिंग को एक बार अगर आप हीट कर दें और वो एक बार वो हीट करने पर वो रेजिड्यू बच जाएगा, दोबारा से आप उसे प्लास्टिक हासिल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बेकलाइट, थर्मोकोल की एग्जाम्पल मैंने दी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक ऑफ प्लास्टिक, जिसमें मैंने आज आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, सो दिस इज प्लास्टिक के बारे में जो है वो डिस्कस किया, प्लास्टिक की डेफिनेशन, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, 9 एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्लास्टिक की दी जो डेली लाइफ में हम देख रहे होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और इस तरह से मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक में कंपोजिशन क्या होती है, मोनोमर के साथ प्लास्टिसाइजर और फिलर भी ऐड कर रहे होते हैं। देन टाइप्स बताएं कि प्लास्टिक को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है ये। तो अगर आपको कोई भी चीज़ अगर इस टॉपिक में से समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ये चैप्टर 11 में जो टॉपिक है हमारे, जैसे एक फर्टिलाइज़र का रहता है जो मैं बहुत जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। तो बाकी चैप्टर 10 के बारे में मैंने कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड कर दिए, 11 के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास फर्टिलाइज़र का टॉपिक रहता है, सेकेंडरी केमिस्ट्री कंप्लीट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो फिर हमारी अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया, चीज़ें समझ में आई प्लास्टिक के बारे में, थोड़ा फास्ट मैनर में मैंने ये चीज़ें बताई हैं बिकॉज शॉर्ट नोट लिखना होता है उसके ऊपर, और इसकी बहुत सारी चीज़ों की डिटेल मैं पहले डिस्कस कर चुका डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं इस टॉपिक के अंदर नहीं गया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यकीनन आस्क कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आया है तो लाजमी जो है वो मेरे लेक्चर को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं चैनल के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्योंकि मैंने पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री और पूरी कंप्लीट जो है वो इंग्लिश फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, 9th और 10th की मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।